स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन इन योर होम। तो बच्चों कल हमने ये हमारी जो स्टोरी थी फेस शोविंग, इसके टेक्स्टुअल क्वेश्चन हमने किए, तो आज हम इसका ग्रामर वर्क करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी रफ कॉपीज खोल लीजिए। तो आज मैं आपको करवाऊंगी यहाँ पे जो लैंग्वेज वर्क है, सबसे पहले हम वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए पार्ट है लैंग्वेज वर्क में, फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स विच मीन्स द फॉलोइंग। यहाँ पे लिखे हुए हैं लेसन के कुछ वर्ड्स हैं जिनका मतलब दिया गया है, और वो वर्ड लेसन में से मालूम करने हैं और लिखने हैं। मीनिंग इन्होंने लिखा है, बुक्स वालों ने, हमें वो वर्ड लिखना है। तो ए पार्ट है हमारे पास, मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगी, फिल इन द ब्लैंक्स में उस वर्ड क्या आएगा। तो क्वेश्चन जो है वो बुक्स पे है, मैं पढ़ूंगी, आप देख लीजिए, ठीक है। ए पार्ट है टू वांट समथिंग और टू वांट टू डू समथिंग, है ना। तो ये बुक्स में है टू वांट समथिंग और टू वांट टू डू समथिंग, कुछ चाहते, कुछ करने के लिए चाहते हैं, ये कुछ मतलब कुछ चाहते हैं कुछ करना, है ना, कुछ चीज करने के लिए। मतलब जैसे वहां पे वो जब औरतें आती हैं, जैसे हमारी ये स्टोरी में है, मैं आपको बताती चलूं, वहां पे रहीम बीबी जब नई न्यूली वेडेड दुल्हन जो आती है, तो वहां पे औरतें उसके बारे में बातें करती हैं, ये वो खूबसूरत है, ऐसी है, वैसी। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनमें कशिश पैदा हो जाती है, वो सोचते हैं कि हम उसे देखने जाएं, वो चाहते हैं टू डू समथिंग, दे वांट टू डू समथिंग। तो इसका इसके लिए क्या वर्ड वहां पे हमारी स्टोरी में इस्तेमाल किया था? शाबाश, एनीबॉडी टेल मी, कोई एक बच्चा मुझे बता सकता है, पता है क्या था वो वर्ड? टेम्पटेड, TEMPTED, कशिश पैदा होना, मतलब किसी चीज में कशिश पैदा होना। जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल रहीम बीबी के लिए बच्चे चाह रहे थे कि हम उसे, मतलब औरतों से बातें सुनकर वो भी सोचते थे कि हम भी जाकर उसे देखें। तो बी पार्ट है हमारे पास बच्चों, स्मॉल पेल ब्राउन स्पॉट ऑन द स्किन यूजुअली ऑन द फेस, छोटे छोटे ब्राउन कलर के जो क्या होते हैं, दाग धब्बे होते हैं स्किन पे हमेशा जो होते हैं, मतलब यहाँ पे पड़े हुए, तो उन्हें क्या बोलते हैं? चेहरे पर जो दाग धब्बे छोटे छोटे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अपनी जबान, हाँ बस इन पहाड़ी लैंग्वेज, हम अपनी जबान में क्या बोलेंगे, पहाड़ी में उसे क्या बोलते हैं बच्चों? जैसे हम किसी को देखते हैं ना, मतलब किसी का चेहरा, हम बोलते हैं देखो ना इसके चेहरे पर जैसे क्या पड़े हैं, क्या बोलते हैं हम उसको पहाड़ी? आप मुझे पहाड़ी में बता दो, शाबाश, चेहरे छाइयां पड़ी थी उसको, उसने मुंह होता छाइयां पड़ी थी, है ना। तो ये उसको बोलते हैं फेकल्स, बी पार्ट। ठीक है, दाग या उसे हम बोलते हैं छाइयां। सी पार्ट है हैपनिंग आर टू डूइंग एट द सेम टाइम, हैपनिंग आर टू डूइंग एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में कुछ चीज हो जाना एकदम एक ही साथ। इस स्टोरी के हवाले से मैं आपको बताती चलूं, शायद आपको याद होगा, वो वहां पे जो वो लड़का था, बहू जी उसका देवर था, वो उसकी जो मासी थी और ये दोनों बहनें थी, उनको जब ये बुलाता था, इसको दोबन को भी दोबन हाला बुलाता था, और आइडेंटिटी के लिए दोबन हाला बुलाता था, अपनी मासी को मासी बोलता था। अब किसी वक्त वो मजाक के लिए, जोक के लिए, लुत्फानंदोज होने के लिए वो बोलता था हाली, सिंपली हाला, तो वो एकदम से दोनों बोल उठती थी, क्योंकि ये मतलब आइडेंटिटी देता था कि फलानी हाला कौन है फलानी, तो वो दोनों एक साथ बोल उठती थी हमारी स्टोरी में हुई। तो वो वर्ड कौन सा इस्तेमाल हुआ था? शाबाश बच्चों, वेरी गुड, सिमल्टेनियसली, SIMULTANEOUSLY, एक साथ एकदम, है ना, एक ही वक्त में। डी पार्ट हमारा है ट्रीटेड इन ए स्पेशल वे, है ना, ट्रीटेड इन ए स्पेशल वे, किसी को ऐसा ट्रीट करना, स्पेशल ट्रीट करना। हमारी स्टोरी में ऐसी क्या बात थी जो स्पेशल हो रही थी इस स्टोरी में, फेस शोविंग में? शाबाश, ये जो न्यूली वेडेड, ये जो हमारी दुल्हन आई थी रहीम बीबी, तो ये क्या थी, ज्यादा लाडली थी, इसके साथ ज्यादा लाड प्यार होता था, तो उस लाड प्यार के लिए कौन सा वर्ड इस स्टोरी में इस्तेमाल किया गया था बच्चों? शाबाश, पैम्परेड, वेरी गुड। उसके बाद
ये पार्ट है हमारा ए पीस ऑफ थिन मटेरियल वोन बाय वुमेन टू कवर द फेस और हेड। ऐसे कौन सा कपड़ा या ऐसा मटेरियल औरतें अपने सर पर और अपने मुंह को कवर कर लेती हैं, ढांप लेती हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो स्टोरी में इस्तेमाल, जैसे रहीम बीबी अपना बिल्कुल क्या मुंह ढके हुए रखती थी, बिल्कुल कवर करके रखती थी, तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ था इस स्टोरी में? शाबाश शाबाश, वेल नकाब, वेरी गुड, अच्छे से समझ आई होगी। अब हमारे पास है बच्चों एफ पार्ट है हमारा हेल्पफुल आर यूजफुल इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। हेल्पफुल आर यूजफुल इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन मतलब किसी मुनासिब वक्त में किसी की हेल्प करना उस सिचुएशन में, तो कौन सा वहां पे वर्ड इस्तेमाल हुआ था? मतलब जरूरी होता है, मुनासिब होता है उस वक्त उस सिचुएशन में उसकी मदद करना। शाबाश, एक्सपीडेंट, शाबाश। और जी पार्ट है हमारे पास बच्चों वीक और अनहेल्दी। वीक और अनहेल्दी, कमजोर या बीमार, उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया था? रहीम बीबी जब बीमार हुई थी उसके लिए कौन सा वर्ड इस स्टोरी में इस्तेमाल किया गया था? शाबाश, वेरी नाइस, फ्रेल, FRAIL, फ्रेल बोलते हैं बच्चों, नाजुक कमजोर, है ना, कमजोर ना। तो अब इंशाल्लाह तो मुझे बताओ, तो ये थे हमारे आज के ये लैंग्वेज वर्ग में हमारा इस लेसन में वो वर्ड मीनिंग दिया हुआ था और वो वर्ड हमें चुनकर लिखने थे जो हमें इस स्टोरी में इस्तेमाल हुए थे। तो ये था हमारे बच्चों आज के लिए, आज का हमारा ये था। तो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर वर्क करेंगे, ठीक है? ओके, टेक केयर।